हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कि तुमको मैंने तीन बार टोका है मगर तुमने एक बार भी तवज्जो नहीं दिया। तुम्हारे घर के अंदर ये पानी की बूंदे टपक रही है और शरीयत में इसे इसराफ कहते हैं, कुरान में इसकी सख्त मजम्मत की गई है। आयत कुरानिया मौजूद है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। और तुम जब फजूल खर्ची करके शैतान के भाई बने हुए हो, एक शैतान के भाई के वहां आला हजरत का बेटा रुके, ये गवारा नहीं है। तारीख बता रही है उस मकान से सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वापस आ गए हैं। हुजूर ताजुश्शरिया जब भी तो फरमा रहे हैं मुत्तकी बनकर दिखाए, इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिश है, ए जाने जहां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह देगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और नूरे दीदे हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हुजूर ताजुश्शरिया वारिस उलूम इमाम अहमद रजा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां कादरी बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम जिनके सच्चे जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया हैं, वो हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसाने मुफ्ती आजम हिंद, उर्से मुफ्ती आजम हिंद। हजरत शेर फिर से पढ़ दीजिए, करम फरमाई होगी। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। मेरे अजीज, जिस आयत करीमा की तिलावत से मैंने खुद को मुशर्रफ किया, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर खल्लाके कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह की खशियत अपने कल्ब में रखने वाले उलमा हैं। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस हदीस शरीफ पढ़ने का शरफ हासिल किया। कायनात के दूल्हा फरमाते हैं, मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे नेता नहीं बनाता, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे पार्षद सांसद एमपी एमएलए पीएम सीएम नहीं बनाता। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का फकीह बनाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है, उसे मसाइले शरईया पर उबूर अता फरमाता है।
कानपुर के ज़हीर मुसलमानों और ए हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की अकीदत में सरशार रहने वालों, देखो आप मुफ्ती साहब को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो जान लीजिए, दारुल इफ्ता में मसनद इफ्ता पर जलवागर होकर जो फतवा नवेजी का काम करता है, फतवा लिखता है, उसे मुफ्ती कहते हैं। मुफ्ती उसे मुफ्ती कहते हैं। और आप जानते हैं इसमें कई तबकात भी हैं वलमा में, कोई मुहद्दिस होता है, कोई मुफस्सिर होता है, कोई मुफ्ती होता है, कोई आलिम होता है, कोई फाजिल होता है, कोई मुफक्किर होता है जिसकी फिक्रें और जो सुरैया पर होती है, कोई मुतब्बिर होता है जिसकी तदबीरें उरूज इर्तका के मकाम को पहुंची होती है। मगर वलमा जलवागर है, मुहद्दिस बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? एक आदमी को समझ में आ रही है पूरे मजमे में, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रही। अरे भाई आप सबको समझ में आ रही है बात? सुभान अल्लाह। मुहद्दिस होने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुफस्सिर बनने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुफक्किर होने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, मुदब्बिर होने के लिए मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, आलिम होने के लिए मुफ्ती होना लाजिम नहीं है, फाजिल होने के लिए मुफ्ती होना लाजिम नहीं है, मगर मुफ्ती होने के लिए मुहद्दिस होना भी जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए आलिम होना भी जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए फाजिल होना भी जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए फिक्रों में बुलंदियों का पाया जाना भी जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए तदबीरों का मकाम और जो सुरैया होना भी जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए तफसीरात पर उबूर होना भी जरूरी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब एक मुफ्ती होने के लिए लाजिम है कि वो मुहद्दिस भी हो, मुफस्सिर भी हो, मुहक्किक भी हो, मुफक्किर भी हो, मुदब्बिर भी हो, आलिम भी हो, फाजिल भी हो, इतनी खूबियां जब एक जगह जमा होती है तो कौम को एक मुफ्ती मिलता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक आम मुफ्ती के अजमतो तकद्दुस का जब ये आलम है तो बरेली के मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के अजमतो तकद्दुस का आलम क्या हो? क्या कहने माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैसाने मुफ्ती आजम हिंद, क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा अपना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अजीम जात हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की है। हक बात कही हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी मामूली जात को मुफ्ती आजम हिंद नहीं कहते हैं, नहायत अजीमुल मर्तबत जात हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की है। आज के 100 साल पहले दुनिया के कोने कोने के तमाम मुफ्तियों के सर जिस दर पर खम हुआ करते थे, वो जात मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की है। मेरे अजीज आओ देखो, आज हमारी जमात का ये हाल है। आप लो मेरी तारीख, ये हजरत तकरीर करवाना है, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, फला तारीख में जलसा है, आपकी तारीख चाहिए तो मेरे मुंह से निकलेगा फ्लाइट का टिकट भेज दो, मैं आ जाऊं।
और अगर फ्लाइट की बात नहीं करूंगा तो कम से कम इतना तो जरूर कहूंगा कि सुपर फास्ट एसी ट्रेन का टिकट दो तो आ। ये हमारा हाल है जो पाया जाता है। आज के 15 साल पहले मैं रायपुर के आगे धमतरी छत्तीसगढ़ सूबे में प्रोग्राम की घर से गया था। सरकार सुहेले मिल्लत की मईयत और रफाकत हासिल थी। धमतरी में जाकर जिनके वहां हम लोग कयाम पजीर हुए थे उनका नाम हाजी हारून साहब है। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो रिजवान के करीबी रिश्तेदारों में से भी है। वो बताने लगे कि शरीफी साहब, आप इस वक्त जहां कयाम किए हुए हैं, एक दौर था कि यहां मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कयाम फरमा होते थे और आपको मैंने एसी का टिकट भेज करके यहां बुलवाया। मगर जब नूरे दीदे इमाम अहमद रजा लखते जिगरे आला हजरत यहां प्रोग्राम के लिए तबलीगे इस्लाम के लिए आया करते थे तो चालू ट्रेनों का सफर करके आया करते थे और यहां रह करके 15 दिन 20 दिन महीना भर ठहरा करते थे और पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर आप जा जा करके तबलीगे इस्लाम किया करते थे। कहीं जाने के लिए बस की सूरत थी, कहीं जाने के लिए ट्राली और ट्रैक्टर को इख्तियार करना पड़ता था, कहीं जाने के लिए बैलगाड़ी पर भी बैठना पड़ता था। मगर वो ताजदारे अहले सुन्नत वल जमात के मुकद्दस शहजादे और खुद ताजदारे अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की जात है कि कभी बस में बैठ करके सफर कर रहे होते हैं, कभी ट्रैक्टर पर बैठ करके दूर दराज का सफर तय कर लिया करते थे, कहीं बैलगाड़ी पर बैठ करके आप तबलीगे इस्लाम के लिए जाया करते थे और जब अपने मंजिल पर पहुंचते थे तो आलम यह होता था कि रास्ते के गर्दो गुबार से चेहरा अटा होता था। वह मुकद्दस जात हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम रजी अल्लाह तआला की मुकद्दस जात है जिनके उर्स सरापा कुछ में आप शरीके सआदत हो। आओ ज़हन और फिक्र को हाजिर करो और देखो यही सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है। एक मर्तबा तबलीगे इस्लाम के लिए आपने कलकत्ता का सफर तय किया और कलकत्ता पहुंच करके आपने अपने जिस मुरीद के वहां कयाम किया, जरा गौर से सुनो, दिल के कान से सुनो, ओ इसराफ करने वालों, ओ फजूल खर्ची करने वालों, ओ शादी ब्याह के नाम पर लाखों लाख लुटा देने वालों, ओ दुनिया के बुरे रस्म और रवाज पर न जाने कितने रुपयों को खर्च कर डालने वालों, दिल के कान से सुनो, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की इस मुकद्दस जिंदगी को देखो। तारीख बता रही है कि कलकत्ता की सरजमीन पर तबलीगे इस्लाम के लिए पहुंचे हैं, अपने एक मुरीद के वहां कयाम फरमाया है। आप कयामगाह में पहुंचे, जरूरत पेश आई, आप वाश बेसिन के करीब आए, हाथ धुलने के लिए हाथ धुल रहे हैं, टोपी बंद कर दिया है मगर उस टोपी से पानी टप 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 टपकता जा रहा है। कोशिश कर लिया मगर उसका टपकना बंद नहीं हो रहा है। हजरत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने अपने मुरीद को बुलाया और फरमाया कि पिलंबर बुला करके इसकी टोपी सही करवा लो, पानी के बूंद टपक रहे हैं। अब जरा सा देखें और गौर फरमाएं, वह शख्स जिसके घर पर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम जैसी मुकद्दस जात बहैसियत मेहमान जलवागर हो, आप जरा सा अंदाजा लगाएं कितने मोतकिदीन का ताता बन जाता होगा आपके चेहरे अकदस की जियारत करने के लिए, कितने मोतकिदीन आपके मुकद्दस बारगाह में आपके मुलाकात के लिए आया करते होंगे। वो मुफ्ती आजम
आलम इस्लाम का गुलाम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की भी जियाफत कर रहा है, आपके मिलने वाले आपके मुतकदीन की भी जियाफत कर रहा है। मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने हुक्म फरमा दिया है, जाओ पिलंबर बुला करके लाओ और ये टोटी से ही करवाओ, ये पानी का टपकना अच्छा नहीं है, बिला जरूरत। अब वो मुरीद अपने घर के काम में मसरूफ हो गए, मेहमानों की जियाफत करने लगे, जहन से बात निकल गई। दोबारा फिर सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने इस पर टोका और फरमाया जाओ पिलंबर बुला करके लाओ, अपनी ये टोटी से ही करवाओ, पानी टपक रहा है। वो मुरीद फिर किसी काम में मसरूफ हो गए। दिन गुजर गया, रात का वक्त आया, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने देखा कि अभी भी पानी की बूंदें टपक रही है। हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने फरमाया कि अब तक पिलंबर बुलवा करके तुमने टोटी नहीं सही करवाया। तारीख बता रही है कि मुरीद ने कहा था हुजूर इंशाअल्लाह कल सुबह पिलंबर को बुला करके ये टोटी सही करवा लूंगा। रात गुजर गई, सुबह का सफेदा नमूदार हुआ है, लोगों का हुजूम होने लगा है, मुतकदीन बारगाह में हाजिरी देने लगे हैं। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फिर वाश बेसिन के करीब जरूरत से जा रहे हैं, देख रहे हैं अब तक टोटी सही नहीं हुई है, पानी की बूंदें अभी भी टपक रही है। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने अपने खादिम को तलब किया और फरमाया अब बस बहुत हो गया, रखते सफर बांधो, यहां से निकलना है। साजो सामान लिया, घर के दरवाजे के बाहर आ गए, गुलाम ने देखा कि हुजूर जा रहे हैं, कदमों में गिर गया, रोने लगा, आहो बुका करने लगा, अर्ज कर रहा है हुजूर आपके गुलाम से क्या खता हो गई है जो आप तशरीफ लिए जा रहे हैं। नूरे दीदे इमाम अहमद रजा आला हजरत अजीमुल बरकत के कद्दस शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कि तुमको मैंने तीन बार टोका है मगर तुमने एक बार भी तवज्जो नहीं दिया। तुम्हारे घर के अंदर ये पानी की बूंदे टपक रही है और शरीयत में इसे इसराफ कहते हैं, कुरान में इसकी सख्त मजम्मत की गई है, आयते कुरानिया मौजूद है, इन्नल मुबज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। और तुम जब फजूल खर्ची करके शैतान के भाई बने हुए हो, एक शैतान के भाई के वहां आला हजरत का बेटा रुके, ये गवारा नहीं है। तारीख बता रही है उस मकान से सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वापस आ गए हैं। हुजूर ताजुश्शरिया जबी तो फरमा रहे हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफ्ती आजम हिंद, अस्मत मुफ्ती आजम हिंद, अराकीन कमेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह क्या शानदार। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मां आज़मी को कौन नहीं जानता। अल्लामा कमरुज़्ज़मां आज़मी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रामा के मुरीद भी हैं, खलीफा भी है ना, और जमात के बड़े नामवर खुतबा में से हैं। ये नाम तो सबा ज़दे खासो आम है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में अल्लामा कमरुज़्ज़मां आज़मी हाजिर हुए और दावत पेश की कि हुजूर मेरे मदरसे तशरीफ लाए, कदम की बरकतें अता फरमा दे। वो मदरसा भी बड़ा मशहूर है जमाना मदरसा है, अल जामियातुल इस्लामिया रौनाही के लिए दावत दी मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मां आज़मी ने, दरख्वास्त पेश की हुजूर कदम रंजा फरमा दे, आपके कुदूम मेहमनत रुसूम की बरकतें हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने दावत कबूल फरमा ली और पहुंचे रौनाही अल जामियतुल इस्लामिया में।
नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से रौनाही की फिजा गूंज उठी। इदारे के तमाम तलबा इदारे के बाहर आकर सब बस्ता खड़े हो गए इस्तकबाले मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के लिए। इस शान से शहजादे आला हजरत अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही में दाखिल हुए। नमाज का वक्त हुआ, लाइट चली गई। उस वक्त इन्वर्टर भी नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा है, एसी वगैरह तो दूर की बात है, पंखा भी नहीं चल रहा। और गर्मी का जमाना, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम गालिबन नमाज जुहर या नमाज असर अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सर से लेकर कदमे नाज तक पसीना बह रहा है, मगर लखते जिगरे आला हजरत महवे इबादत इलाही है। मुकम्मल खुशू खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। मुफक्किरे इस्लाम ने देखा कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज पढ़ रहे हैं और सर से लेकर पैर तक पसीना बह रहा है, पसीने में शराबोर है। तो जानते हैं वो प्लास्टिक का या चटाई जिससे बनाई जाती है उस धात का बना हुआ हाथ से झलने वाला पंखा। मुफक्किर इस्लाम तलबा को नहीं दिया कि जाओ सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा को पंखा झलो हवा पहुंचे, खुद वो पंखा उठाया और चले गए। पंखा हिलाने लगे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को हवा मिलने लगी और आप नमाज पढ़ते रहे। जब नमाज से फारिग हुए ना, पलट कर देखा मुफक्किर इस्लाम की तरफ और फरमाने लगे, मौलाना कमरुज़्ज़मां क्या गजब कर रहे हो, पंखा जमीन पर रखो, कोई जरूरत नहीं है इसकी मुझे। अर्ज किया, हुजूर मैंने देखा आप नमाज पढ़ रहे हैं, पसीने में शराबोर है, पसीना बह रहा है, तो मैंने सोचा आप को तकलीफ हो रही होगी, इसलिए मैंने पंखा लेकर चलना शुरू कर दिया। अब प्यारा जुमला सुनो मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा का, फरमाते हैं मौलाना कमरुज़्ज़मां एक बादशाह के दरबार में उसका खादिम जाए मुलाकात के लिए और शान से जाए, शान का ये आलम हो कि उस खादिम का खादिम भी साथ में जाए और बादशाह के सामने बादशाह के खादिम को इस तरह उसका खादिम अगर पंखा झले तो ये शान सुल्तानी के मुवाफिक है या खिलाफ। अल्लामा पुकार उठे, हुजूर ये तो शाने सुल्तानी के खिलाफ है। हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं ये तो दुनिया का मामला है। कब्रुज़्ज़मां तुम्हें लोग मुफक्किरे इस्लाम कहते हैं, तुम्हें लोग खतीबे आजम हिंदुस्तान कहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम कि मुस्तफा रजा इस वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर है और रब की रजा के खातिर नमाज पढ़ रहा है। इस वक्त एक आबिद अपने माबूद की बारगाह में है और माबूद की बारगाह में आबिद मौजूद हो और उस वक्त आबिद को कोई पंखा चल रहा हो, कोई उसके हाथ पांव दबा रहा हो, शाने सुल्तानी के वो खिलाफ है। ये शाने माबूदियत के कब मवाफिक है। कहां से लाओगे ऐसा तकवा और ढूंढते रह जाओगे जमाने में ऐसा मुफ्ती और ऐसा मुत्तकी नहीं पाओगे। सरकारे ताजु शरिया फरमाते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बेशक वो तकद्दुस माप साथ हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की है। आप लोग दिल्ली जानते हैं ना कि नहीं जानते? सुभान अल्लाह, जानते भी हैं, न जाने कितने गए भी होंगे दिल्ली। हजरते महबूबे इलाही शाह निजामुद्दीन औलिया का मुकद्दस आस्थाना है दिल्ली।
और जब आस्ताने की तरफ आप पढ़ोगे तो रास्ते ही में दाएं जानिब चुगादड़ियों का मरकज है और उसके ठीक सामने गालिब अकेडमी है। आप जानते हैं वो 12x12 का कमरा और उस पर 2 मंजिला इमारत, उसी को मरकज बना लिया है। और उस 12x12 के कमरे में 50-60 वक्त घुसे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये इंसान घुसे हैं या हशरातुल अर्द। जी जी जी, हाँ हाँ, उस मरकज में सही बात। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हुजूर महबूबे इलाही के आस्ताने पर फातिहा पढ़ने के लिए गए। बात फैल गई दिल्ली में कि नूरे दीदे इमाम अहमद रजा हुजूर महबूबे इलाही के आस्ताने पर हाजिरी और फातिहा खानी के लिए आए हुए हैं। बात फैलते फैलते उस मरकज तक भी पहुंच गई थी। मरकज वालों ने बाहम बैठ करके मशवरा किया और बातें करने लगे कि आज बड़ा अच्छा मौका है, मुफ्ती मुस्तफा रजा खां बरेलवी आए हुए हैं, चलो चल करके उनसे कुछ सवालात करते हैं और उन्हें जांचते परखते हैं कि वो हैं कौन और क्या रखते हैं अपने सीने के अंदर। इतना सोचा, अब बात करने लगे आपस में, मगर सवाल उनसे करे कौन। इतने बड़े आलिम से सवाल करने के लिए इल्म वाला होना जरूरी है। बेशक बेशक, सच है। हर किसी की जुरात थोड़ी है कि जाकर के सवाल कर ले। तो 3 अमीर तैयार हुए, 3 पहुंचे, तीनों। आप कहां से आए हैं? सरकार फरमाते हैं बरेली शरीफ से आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनके बेटे हैं आप? फरमाते हैं इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों अमीरों ने पूछा आपका क्या नाम है? फरमाया मुस्तफा फकीर को मुस्तफा रजा कादरी कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? फरमाते हैं हाँ मैं ही हूँ, बताओ। कहने लगे कुछ सवाल करना था आपसे। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कर लो सवाल, पूछ लो जो पूछना है। एक अमीर ने कहा, तीनों ने कहा कि हुजूर ये बताइए आका को इल्म गैब हासिल है? हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने फरमाया बहुत इल्म गैब मेरे नबी को हासिल है। कहने लगे अच्छा तो दलील दीजिए, हम कैसे मान लें कि इल्म गैब हासिल है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कुरान मुकद्दस और अहादीस नबविया के अंदर कई कई मकामात पर दलीलें मौजूद हैं, आयात कुरानिया शाहिद है और अहादीस नबविया शाहिद है, पढ़ो दलील मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। कहने लगे नहीं, आप ही से दलील चाहिए, जब आप मौजूद हैं और आपका मौकिफ है, आपका दावा है कि नबी को इल्म गैब है, तो दलील को भी तो आपको देना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने फरमाया अच्छा 3 सवाल मैं तुम तीनों से करता हूँ, इसका जवाब दे दो। कहने लगे यही तो सुन्नियों का मामला बड़ा खराब है, इनसे कुछ पूछो तो ये पलट कर सवाल कर बैठते हैं। नूरे दीदे आला हजरत फरमाते हैं ओ अमीरो सुनो, मेरे सवाल में तुम्हारा जवाब पिनहा है, सवाल का जवाब दो, तुम्हारा जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने एक को पकड़ा और पूछा ये बता जो अपनी माँ को धक्का देकर ढकेल कर गिरा दे और दर बदर घूमता फिरता रहे, उस मौलवी के लिए शरीयत में क्या हुआ? दूसरे को पकड़ा और फरमाते हैं ये बता कि वो मौलवी जो अपनी नौकरानी के साथ जिना करे और शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर के बस जाए, उसके ताल्लुक से क्या हुआ? तीसरे को पकड़ा,
कहा तू ये बता जो यतीम का माल गसब कर ले और अपने शहर से भागकर दूसरे शहर में जाकर पनाह ले ले उस मौलवी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, तीनों पुकार उठो हुजूर बस कीजिए सरकार। वो जिसके बारे में आपने पूछा कि माँ को ढकेल कर भाग आए, हुजूर कोई और नहीं वो मैं हूँ। दूसरा पुकार उठा, ए अल्लामा मुस्तफा रजा खां, वो कि जो यतीम का माल नाहक तौर पर खा ले और अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में कयाम पजीर हो जाए, वो कोई और नहीं वो मैं ही हूँ। तीसरा पुकार उठा, हुजूर आपने जो मुझसे सवाल किया कि वो शख्स जो अपनी नौकरानी से जिना करे और जिना करके भाग आए उसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है, हुजूर वो मैं हूँ। मैं मान गया और जान गया कि जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्मे गैब का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा रजा के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम।